दोस्तों, आपने जी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका सीरियल जोधा अकबर तो जरूर देखा होगा, जो कि एक हिस्टोरिकल प्रेम कहानी पर आधारित था, जिसमें लीड रोल में परिधि शर्मा और रजत टोकस नजर आए थे, जिनके प्यारे से बॉन्ड ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, जिसके चलते ये सीरियल उस समय दर्शकों का फेवरेट बन गया था। लेकिन दोस्तों, इस सीरियल को ऑफ एयर हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं इस सीरियल में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर कौन हैं? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, चेतन हंसराज। इस सीरियल में आदम खान उर्फ हैदर खान का किरदार अभिनेता चेतन हंसराज ने निभाया था, जिनका किरदार सीरियल में काफी नेगेटिव था, जिसे इन्होंने इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि लोग इनके दीवाने हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम लावण्या परेरा है, जिनसे इन्होंने साल 2004 में शादी की थी और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों में बेशुमार प्यार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक बिजनेस वुमन के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। नंबर 4, अश्विनी कलेशकर। इस सीरियल में सहायक अभिनेत्री महम अंगा का किरदार अभिनेत्री अश्विनी कलेशकर ने निभाया था, जिनका किरदार सीरियल में काफी नेगेटिव था और इसी नेगेटिव किरदार से ये फेमस हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके पति के बारे में, तो इनके पति का नाम मुरली शर्मा है, जिनसे इन्होंने साल 2009 में शादी की थी और वर्तमान में इन दोनों की शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज भी दोनों साथ हैं। नंबर 3, रजत टोकस। इस सीरियल में मेन कैरेक्टर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार अभिनेता रजत टोकस ने निभाया था, जो कि जोधा के पति का किरदार था, जिसे इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया था और इस दमदार किरदार के साथ लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम सृष्टि नायर है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं और लाइमलाइट भरी चकाचौंध से काफी दूर रहती हैं। इन्होंने इनसे साल 2015 में शादी की थी और आज भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नंबर 2, लवीना टंडन। इस सीरियल में अकबर की दूसरी पत्नी रजिया सुल्तान बेगम का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री लवीना टंडन नजर आई थी, जिन्होंने अपने नकारात्मक किरदार से लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग इनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के पति के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और न ही किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिलहाल तो ये अपने करियर को बनाने में लगी हुई है। नंबर 1, परिधि शर्मा। इस सीरियल में मुख्य जोधा बाई का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री परिधि शर्मा नजर आई थी, जिनका किरदार सीरियल में अकबर की पत्नी का किरदार था, जिसे इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि ये दर्शकों की चहेती बन गई थी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम तन्मय सक्सेना है, जो कि पेशे से अहमदाबाद के बेस्ट बिजनेसमैन है। इन्होंने इनसे साल 2009 में शादी की थी और शादी के 7 सालों बाद इनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम इन्होंने रिधर रखा है। वर्तमान में ये अपने बेटे और पति के साथ मुंबई में काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको जोधा अकबर सीरियल में सबसे बेस्ट अभिनय किस कलाकार का लगा था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।